नमस्कार जी, मैं मंजू। और आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको बताऊंगी कि मोस रोज़ को कैसे लगाना है, जिसे कि टेबल रोज़ भी कहा जाता है। तो ये गर्मियों भर में खिलने वाला प्लांट है। तो आज फरवरी की 25 तारीख हो गई है और मेरे यहाँ तो अब थोड़ा गर्म मौसम होने लगा है। तो ये जो प्लांट है, मैं 5-6 दिन पहले क्रिश्चन आंटी के यहाँ गई थी, तो उन्होंने नीचे बाहर क्यारी में लगा रखा हुआ है। तो इतना खूब सारा फैला पड़ा है वहाँ पे। तो मैंने आंटी को कहा था, आंटी मुझे कटिंग देना, तो उन्होंने जड़ों के साथ ही निकाल दिया। तो मैं लगा नहीं पाई, हालांकि ये सुकुलेंट प्लांट है और जो इसकी ये स्टेम रहती हैं तो इसमें खूब सारा पानी भरा रहता है, और इसकी पत्तियों में भी। तो इसको इतने पानी की ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम मेरा लगाने का मन नहीं कर रहा था और फिर मैंने ऐसे ही इनको पानी में डाल दिया। तो इतने दिन हो गए हैं अब, तो मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं कि ये पूरा गल जाए, बट मैं आज देख रही थी तो ये ठीक है। तो फिर मैंने सोचा इसको लगा देती हूँ। तो इसकी रूट्स भी दिख रही हैं, तो मुझे लग रहा था अगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये रूट्स के साथ आप लगाओ तो तभी ये चलता है, तो आप इसको कटिंग से भी ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। तो इस पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ। मैंने अपनी बोतल में, ये हैंगिंग वाली बोतल में इसको ये बना रखा था इस तरह से। तो मैं इसमें से कटिंग ले लेके अभी देखो कैसे, अभी इस पे नए नए ये आना स्टार्ट हो गए हैं, ये अभी नए नए ये निकलना स्टार्ट हो गए हैं। अब सर्दियों में बिल्कुल इनकी ग्रोथ रुक गई थी, तो ये नीचे पड़ा हुआ था। तो अगर इसको छाया में रखते हैं और अगर ज़्यादा पानी हो जाता है तो फिर ये इसकी रूट्स पूरी गल जाती हैं और ये पूरा ख़राब हो जाता है। तो अब मैं आज इसको छत पे ले आई हूँ और मैं इसको धूप में रखूँगी। कुछ कटिंग मैंने इसकी काट के कहीं और जगह में लगा दी हैं, ताकि गर्मियों भर में ये खूब अच्छे से फैल जाएँ और खूब फूल दें। तो आपको याद ही होगा जब मैंने इसके वीडियोस बनाए थे, ये कितना हरा भरा, पूरा भरा भरा था। और आप मेरा, हाँ, वीडियो नंबर 125 देख सकते हैं, उसमें भी इसके फूल लगे हुए हैं। तो सर्दियों से पहले तक इसमें फूल आते ही रहते हैं, कई महीनों तक फूल मतलब इसमें आते ही रहते हैं। गर्मियों से आना स्टार्ट हो जाते हैं और सर्दियों से पहले तक इसमें आते रहते हैं फूल। तो मेरे यहाँ तो इस पे मेरे ख्याल से, हाँ, नवंबर तक फूल इस पे आए थे, और जब ठंड होना शुरू हुई थी तो फिर ख़त्म हो गए थे। तो आज इसको लगाना कैसे है, बहुत ही आसान है। तो इसमें भी तीन तरह के हैं। इसमें सफ़ेद रंग का पिंक होगा और एक मजेंटा कलर का होगा। तो पानी इसको अगर हम, जैसे मैं रूट्स के साथ लगाऊंगी तब तो मैं इसको सीधे धूप में रख सकती हूँ, बट मैं कुछ कटिंग भी लगाऊंगी तो इसलिए पॉट को 2-3 दिन आप थोड़ी छाया में रखें। तो ये मैंने जैसे कि मिट्टी बना ली है अपने गार्डन की, मैंने मिट्टी इसमें, ये किसी भी मिट्टी में ग्रो कर जाता है। मिट्टी को थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए इसमें थोड़ी सी आप रेत मिला लो। और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जो गार्डन का वेस्ट मटेरियल होता है उसकी मैं कंपोस्ट तैयार करती हूँ, तो वो आप मिक्स कर सकते हो, मतलब कोई भी जैसे मिट्टी हो, काली हो, पीली हो, लाल हो, ये सब में ग्रो कर जाता है। बस ऐसे करके हल्के हाथों से इसको ऐसे दबा देना है। तो ये आंटी ने पूरा ऐसे ही, ये देखो रूट्स जो देख रहे हैं आप, ये छोटे 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 बनी हैं। तो अगर ये नहीं भी बनी होती तो भी इसमें आराम से बन जाती। तो गमले मेरे पास, अभी मैंने कल 7 गमले खरीदे हैं, तो फिर मैंने सोचा अब गमला आ गया है नया, तो इसमें इसको लगा दो ताकि ये पूरे गर्मियों में फिर फूल दें। तो आपको तो पता ही है जो ये टेबल रोज़ होता है, गर्मियों का तो ये बादशाह जैसे होता है। कितनी भी लू चले, कितनी भी तेज गर्मी हो, इसके प्लांट को कोई असर नहीं होता है, ये अपने आराम से चलता रहता है। तो इस तरह भी रख देना है इसको, बस ऐसे ही ऐसे दबा दो। इसके लिए कुछ खास ऐसे कोई वो नहीं है।
तो बाकी मैं जो ये मेरे बॉर्डर में लगे हैं, मैं इनके भी दो चार कटिंग लेके इनके भी ऐसे, ये सिंपल, ये देख रहे हैं, ऐसे ऐसे लेके ये काट दी मैंने। तो यहाँ पे बस यूं ही ये दबा दूंगी मिट्टी में, ये मिट्टी में ऐसे दबा दिया मैंने, और इनको भी सबको अच्छे से मिट्टी में दबा दूंगी। और पानी जैसे कि आप बाकी प्लांट्स को देते हो नॉर्मली, उसी तरह से देना है। बस इसको जो है वाटर लॉगिंग पसंद नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम जो है इसका बहुत बढ़िया होना चाहिए। ये एक और कटिंग मैं यहाँ से कर रही हूँ, और इसको भी मैं ये यहाँ पे लगा दूँगी। इसको पानी में साथ के साथ दे देती हूँ ताकि मेरे को लगाने में ये ऐसे बस मिट्टी में ऐसे दबा दिया इसको, और बस दो तीन दिन मैं इसको छाया में रखूँगी। जब मुझे लगेगा कि इसकी रूट्स बनना स्टार्ट हो गई हैं, कुछ की तो ये बनी ही हुई हैं, तो इसकी भी एक कटिंग मैं यहाँ से कर लेती हूँ, ये यहाँ लगा देती हूँ। तो ये फिर फैलता रहेगा, और फिर मैं इसको फुल सनलाइट में रख दूँगी। इसको जो है धूप, तेज़ धूप इसको बड़ी पसंद है। मैं एक दो कटिंग और, कटिंग कैसे लेनी है, आपके आसपास कहीं किसी के घर में लगा हो, जहाँ कहीं कोई जानने वाले हैं, कहीं किसी के भी लगा हो, तो आप उनसे बस इसकी कटिंग लेके, इसकी कटिंग का कोई चक्कर नहीं कि कितनी बड़ी लगानी चाहिए, आप बड़ी से बड़ी लगा लो, उसमें भी रूट्स बन जाती हैं। तो मैं यहाँ से ये कट करके, ये ऐसे कट करके ये बस ऐसे लगा दिए मैं ऐसे। तो अभी दो तीन दिन मैं इसको छाया में रखूँगी, और फिर नीचे मिट्टी के ना मैंने थोड़े वो ढीले डाले थे ताकि वो सॉफ्ट होके आराम से। तो अभी ये पानी जाने में टाइम लगेगा। तो मैंने इसको ड्रेनेज होल दे दिया है पॉट को, और मैंने उसमें एक ठिकरी भी लगा दी, और साथ में न्यूज़पेपर का मैंने एक टुकड़ा रख दिया ताकि बह के मिट्टी मेरी बाहर ना आए। तो बस इस तरह से लगाना है, कुछ नहीं करना है। तो पानी ये मैंने डाल दिया है, मिट्टी मेरी नीचे खूब सूखी पड़ी है, और थोड़ी वो सूखी मिट्टी थी तो बीच में उसके ढीले जैसे हो गए थे, तो अब उसमें ताकि ये पानी थोड़ा सा रचे बसेगा, वो ढीले मेरे सॉफ्ट हो जाएंगे, तो फिर ये ग्रो करना, जैसे जैसे इसकी रूट्स बन जाएंगी फिर ये अच्छे से इसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, और गर्मियों से खिलना ये स्टार्ट करेगा, फिर सर्दियों से पहले तक कई महीनों तक खिलता रहेगा। तो इस भरपूर गर्मियों में, जब मई जून में भरपूर गर्मी होती हैं, तो मई में इसके इतने सुंदर फूल आए हुए होते हैं, और अभी जैसे ही आप कहीं भी देखो इसको, इसकी कटिंग लेके कैसे भी मिट्टी को आप ग्रो कर देना आप इसको। नमस्ते जी, होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूँगी। धन्यवाद जी। और जो मेरे भाई बहन मोस रोज लगाना चाहते हैं, इस तरह से वो पोट लेके उसमें ग्रो कर दें, और दो तीन दिन उनको कटिंग को, अगर कटिंग से लगाते हैं तो दो तीन दिन उनको छाया में रखना, फिर उसको कुछ दिन ऐसे जगह में रखना जहाँ थोड़ी देर धूप आती हो, जैसे कि एक डेढ़ घंटा या दो घंटा धूप आती हो, और उसके बाद जब अच्छे से ये चलने लगे तो आप इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं। धन्यवाद जी।